एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज पैसेज। क्लोज पैसेज डिस्कस करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग एक बार पूरे पैसेज को स्किम कर लें। उससे हमें इन जनरल पूरा आइडिया मिल जाता है कि पैसेज क्या कहना चाहता है, उसकी टोन का पता चल जाता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर इन्फॉर्मेटिव है। तो हम लोग ऑप्शंस इजीली चूज़ कर पाते हैं कि टोन के अकॉर्डिंग भी हम लोग सेलेक्ट कर पाते हैं। और क्या होता है कि ब्लैंक्स के आसपास जो वर्ड्स हैं उससे हम लोग को आइडिया लग जाता है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच भी बैठ सकता है। ठीक है, तो आइए एक बार स्किम कर लेते हैं। ओके, अ शिमरिंग गोल्डन स्पेस क्राफ्ट रोड स्काईवर्ड ऑन अ पिलर ऑफ फ्लेम। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेस क्राफ्ट को बहुत ही आर्टिस्टिक वे में डिस्क्राइब किया गया है कि वो बहुत शाइनी सा गोल्डन सा स्पेस क्राफ्ट है जो आसमान की तरफ जा रहा है ऑन अ पिलर ऑफ फ्लेम, जैसे रॉकेट में नहीं होता है। ठीक है, अब इस स्पेस क्राफ्ट को कह रहे हैं नोन एज चंद्रयान 2, द इंडियन स्पेस क्राफ्ट इज नाउ ऑन इट्स डैश टू द मून्स साउथ पोलर रीजन। ठीक है, इसका नाम क्या है स्पेस क्राफ्ट का, चंद्रयान 2, एंड इट इज एन इंडियन स्पेस क्राफ्ट जो कि मून के साउथ पोलर रीजन की तरफ जा रहा है। ठीक है, इट्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, तो ए में क्या आएगा, नाउन। ठीक है, पोजेशन शो करने के लिए। एंड इफ ऑल गोज वेल इट्स लैंडर विल टच डाउन देयर इन अर्ली सेप्टेम्बर। और अगर सब कुछ सही रहा तो जो स्पेस क्राफ्ट का लैंडर है वो अर्ली सेप्टेम्बर तक कहाँ पहुँच जाएगा, मून के साउथ पोलर रीजन पे। विद दिस मिशन, इस मिशन के साथ में इंडिया इज डैश टू बिकम द फर्स्ट कंट्री एवर टू अचीव अ सॉफ्ट कंट्रोल लैंडिंग सो क्लोज टू द मून साउथ पोल। और इसी के साथ क्या हो जाएगा, ठीक है, इंडिया का विजन क्या है कि उसे पहली कंट्री बनना है जो कि एक सॉफ्ट कंट्रोल्ड लैंडिंग ले पाएगी, कहाँ पे, मून के साउथ पोलर रीजन पे। और क्या हो जाएगा, एंड इट विल बिकम द फोर्थ कंट्री टू लैंड सॉफ्टली ऑन द ल्यूनर सरफेस। ठीक है, चौथी ऐसी कंट्री जो ल्यूनर सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग ले पाएगी, जॉइनिंग रशिया, द US एंड चाइना। किसके बाद में, रशिया, US और चाइना के बाद में। Its scientific instruments will shed light on the moon's mysterious interior and thin exosphere. ठीक है, its scientific instruments, किसके scientific instruments, इस particular spacecraft के जो scientific instruments हैं, they will shed light on. Shed light on एक idiom होता है जिसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को हम लोग के बारे में information provide कर रख के उसको बहुत simplify कर देते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग को explain करना, information gather करना easy हो जाता है। तो किसके बारे में information मिलेगी, about moon's interior surface और थिन एग्जॉस्फेयर, एंड दे विल डैश की डिटेल्स अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ द मून साउथ पोलर रीजन। और उससे क्या हो जाएगा, की डिटेल्स मिलेंगी किसके बारे में, अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ मून्स साउथ पोलर रीजन, मून के साउथ पोलर रीजन के केमिस्ट्री के बारे में, केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में, उसके पास मतलब जो भी अवेलेबल है, उसके रॉक्स, उसका आइस, वाटर, सब चीज़। ठीक है, विल के बाद में तो बेस फॉर्म वर्ब आता है क्योंकि विल एक मोडाल वर्ब है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डैश ग्राउंड्स फॉर फ्यूचर ल्यूनर एस्ट्रोनॉट्स। और जो ये केमिस्ट्री की पूरी स्टडी रहेगी, ये किसके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगी, फॉर जो कि हमारे फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स होंगे। ठीक है, द मोस्ट के बाद में यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा और वो किसको मॉडिफाई करेगा, ग्राउंड्स। ठीक है, द मिशन्स ओवरऑल गोल इज टू बेटर अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, आइस। ठीक है, जो मिशन का, ओके, आगे इसको नीचे कर लेते हैं। द मिशन ओवरऑल गोल इज टू बेटर अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, आइस एंड अदर कंपाउंड्स प्रिजर्व नियर द ल्यूनर पोल्स एज वेल एज द स्ट्रक्चर ऑफ द मून्स इंटीरियर। और मिशन का पूरा टोटल इन जनरल गोल क्या है कि हमें पता चल जाए ये वाटर, आइस या जो भी कंपाउंड्स हैं जो ल्यूनर पोल्स के आसपास है उनके बारे में, वही केमिस्ट्री स्टडी करने के लिए, है ना। सच रिसर्च विल हेल्प साइंटिस्ट्स बेटर डैश द ओरिजिन्स ऑफ मून एंड द सोलर सिस्टम। और उससे हमें क्या हेल्प मिलेगी कि मून का और सोलर सिस्टम का ओरिजिन को पढ़ने में, उसको समझने में। हेल्प के बाद में बेस फॉर्म वर्ब भी आता है बेयर इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर में फिट होने के लिए, एंड इट विल हेल्प फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स बेटर मैप पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, तो मून के सरफेस पे जो वाटर सोर्सेज हैं उनको भी हम लोग
उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, ठीक है, इस पूरे मिशन से। तो इन जनरल पूरा पैसेज किसके बारे में है, एक स्पेस क्राफ्ट के बारे में, एक इंडियन स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान 2 के बारे में है, जो कि मून सरफेस पे अगर पहुंच जाता है, लैंड हो जाता है बाय अर्ली सितंबर, ठीक है, तो उसके क्या क्या स्टडीज़ रहेंगी, पूरा इन जनरल उसको मून का इंटीरियर एक्सटीरियर सरफेस को पढ़ना है, उसका पूरा केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ना है, और उसका सिग्निफिकेंस फ्यूचर तक रहेगा, फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी रहेगा, हम लोग को रिसोर्सेज की बेटर नॉलेज मिलेगी जो कि हम लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, हमने बोला था कि फर्स्ट ब्लैंक में तो हम लोग का नाउ नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग जब बात कर रहे हैं कि चंद्रयान 2 जो स्पेस क्राफ्ट है, हमने यहाँ पे बोला इट रोड स्काईवर्ड, मतलब वो जा रहा है ना ऊपर की तरफ, ऊपर गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि चंद्रयान 2 इंडियन स्पेस क्राफ्ट इज नाउ डैश टू द मून साउथ पोलर रीजन, कि मून के साउथ पोलर रीजन की तरफ वो जा रहा है, ठीक है। कोजेंट तो नहीं आएगा बिकॉज इट्स एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है कन्विंसिंग, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी आइडिया बहुत ज़्यादा लॉजिकल या कन्विंसिंग है जो लोगों के बिलीफ सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर दे, ठीक है। ऑन इट्स वे, अपने रास्ते पे है, कहाँ पे, साउथ पोलर रीजन की तरफ जाने के लिए बैठ सकता है। अवे नहीं आएगा, एडवर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, जब हम डिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है, टू दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, इतना दूर है, अवे, डिस्टेंस शो करने के लिए, ठीक है। स्वे नहीं आएगा, स्वे वर्ब है, जिसका मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्विंग करना, ठीक है। फ्रे भी नहीं आएगा, फ्रे भी एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है थकान की वजह से या किसी और वजह से जब इंसान इरिटेट हो जाता है, ठीक है, तो उसको शो करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, वे। क्या कह रहा है सेंटेंस, कि चंद्रयान 2 स्पेस क्राफ्ट अपने रास्ते पे है, कहाँ जाने के लिए, इट्स ऑन इट्स जर्नी टू रीच द मून्स साउथ पोलर रीजन, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विद दिस मिशन इंडिया इज डैश टू बिकम द फर्स्ट कंट्री, ठीक है। अभी अब हम लोगों के सब ये वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या शो करेंगे कि इंडिया अभी क्या कर रही है, ठीक है। सो अगर ट्रेसिंग बोलेंगे तो नहीं बैठेगा, ट्रेसिंग मतलब होता है डिटेक्टिंग, ठीक है, कोई चीज़ हम लोग ढूंढ रहे हैं, ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एज्यूमिंग नहीं होगा, एज्यूमिंग का मतलब होता है प्री सपोज करना, कि हम लोग को कोई एविडेंस नहीं है लेकिन हम लोग कोई चीज़ एज्यूम करके चल रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है विदाउट प्रूफ और एविडेंस। इंडिया इज एमिंग, यस, ये हो सकता है। इंडिया का क्या है, इंडिया अभी बेसिकली अपना टारगेट लेके चल रही है कि उसे पहली कंट्री बनना है, ठीक है, उसका करंट टारगेट है कि उसे पहली कंट्री बनना है जो कि एक सॉफ्ट कंट्रोल लैंडिंग ले पाए, कहाँ पे, मून के साउथ पोलर रीजन पे। इंडिया इज लॉन्चिंग, लॉन्चिंग मतलब बिगनिंग और इनिशिएटिंग, तो यहाँ पे तो हमें पता होना चाहिए ना इंडिया इज लॉन्चिंग वॉट, ठीक है। इंडिया इज बिगनिंग टू बिकम द फर्स्ट कंट्री, लॉजिकल नहीं बन रहा है, ठीक है, to initiate or to start. Fiddling नहीं होगा, fiddling मतलब होता है कि being dishonest in a way कि आपको किसी ने कोई चीज़ संभाल के दी है, संभालने के लिए दी है, बट आप उसको अपने खुद के फायदे के लिए misuse कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, okay. दे विल के बाद में बेस फॉर्म वर्ब आएगा, ठीक है, मोडाल वर्ब है। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है सेंटेंस, कि जो स्पेस क्राफ्ट है उसके जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी वजह से हमें हेल्प मिलेगी मून के मिस्टीरियस इंटीरियर और थिन एक्सोस्फेयर को स्टडी करने में, और क्या हो जाएगा, हमें की डिटेल्स मिलेंगी अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ द मून्स साउथ पोलर रीजन, ठीक है। डेमोगोग तो नाउन हो गया, एक ऐसे पॉलिटिशियन को बोलते हैं जो इलेक्शन से पहले लोगों से वादे करता है, ठीक है, बोलता है कि मैं आपको, उनको मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग वर्ड्स बोलता है और बहुत ज़्यादा झूठे वादे करता है, लेकिन इलेक्शन के बाद में बदल जाता है, ठीक है। प्रूव वर्ब है,
लेकिन उसका मतलब क्या है कि किसी चीज को हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं, कोई ट्रुथ है उसको कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ विद द प्रूफ, विद द हेल्प ऑफ एविडेंस और प्रूफ. तो अगर हम बोलेंगे कि दे विल प्रूव की डिटेल्स अबाउट केमिस्ट्रीज केमिस्ट्री ऑफ द मून साउथ पोलर रीजन, तो कोई सेंस नहीं बनेगा. ठीक है, अंडरमाइन वर्ब है और नेगेटिव टोन में. यहाँ पे तो हम लोग पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है कि हम लोग के जो भी स्पेसक्राफ्ट के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी वजह से हम लोग किस तरीके से एक्सप्लोर कर पा रहे हैं मून के सरफेस को और वो हम लोग को कैसे बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है, अंडरमाइन का मतलब होता है टू वीकन, तो ये कंटेक्सचुअली और ग्रामेटिकली इनअप्रोप्रिएट है. प्रोवाइड मतलब देना, ठीक है, टू गिव. ठीक है, तो ये यहाँ पे बैठ जाएगा कि हम लोग को क्या मिलेगा, डिटेल्स मिलेंगे किसके बारे में, अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ द मून्स साउथ पोलर रीजन. नेक्स्ट है डी. ओके ओके, वन ऑफ द मोस्ट, अब हमें की डिटेल्स मिलेंगे, वन ऑफ द मोस्ट डैश ग्राउंड्स ऑफ फ्यूचर ल्यूनर एस्ट्रोनॉट्स. तो अब हमें इतना तो समझ आ जाएगा कि जो केमिस्ट्री के बारे में डिटेल्स अगर हमें मिल जाती हैं तो वो फ्यूचर ल्यूनर एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगी. ठीक है, अगर हम डिटेरिएटिंग और डिजेनरेटिंग बोलेंगे तो ये तो नेगेटिव हैं, जिनका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, वर्स नहीं. ठीक है, सर्क्यूलेटिंग मतलब आइडियाज़ या थॉट्स इधर से उधर घूमना. ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वन ऑफ द मोस्ट सर्क्यूलेटिंग ग्राउंड्स कंटेक्चुअली इन अप्रोप्रिएट. वन ऑफ द मोस्ट कंपेलिंग ग्राउंड्स, बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग ग्राउंड्स हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ग्राउंड्स हैं किसके लिए, फ्यूचर ल्यूनर एस्ट्रोनॉट्स के लिए. ठीक है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंपेलिंग हो जाएगा. इन्फ्यूजिंग हो गया कि एक कोई चीज़ है पर्टिकुलर, वो इन अ होल वो पूरी तरीके से इन्फ्यूज हो जा रही है, फैल जा रही है. ठीक है, जनरली हम लोग गैस या लिक्विड के लिए बोलते हैं. ठीक है, तो ये भी नहीं बैठेगा. नेक्स्ट वर्ड है सच रिसर्च विल हेल्प साइंटिस्ट बेटर डैश द ओरिजिन ऑफ मून. अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि रिसर्च की हेल्प से क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट को ओरिजिन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी. किसके ओरिजिन्स के बारे में, अबाउट द मून एंड द सोलर सिस्टम. हमने बताया था कि हेल्प के बाद में बेस फॉर्म वर्ब आता है बेयर इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर में फिट होने के लिए. हेल्प के बाद में आप टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी दे सकते हो, और हेल्प के बाद में अगर टू नहीं आता देन ऑल्सो इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, सीधे वर्ब वन भी आ सकता है. ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन ए बी और सी तो स्ट्रेट अवे एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये बेस फॉर्म वर्ब में नहीं दे रखे. ठीक है, अगर हम डी की बात करेंगे तो सर्च रिसर्च विल हेल्प साइंटिस्ट बेटर प्रिटेंड. प्रिटेंड मतलब होता है कि आप कोई चीज़ शो कर रहे हो लेकिन वो सच नहीं है. ठीक है, प्रिटेंड कर रहे हो, कोई चीज़ फेक दिखा रहे हो, तो ये तो नहीं आएगा. इट विल हेल्प द साइंटिस्ट बेटर अंडरस्टैंड. हाँ, समझ उनकी इन्हेंस हो जाएगी, उन्हें पता चल जाएगा किसके बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी, समझ पाएंगे अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ मून एंड सोलर सिस्टम, अंडरस्टैंड बैठ जाएगा. थ्रॉटल्ड का मतलब, वैसे अगर हम ये बोलेंगे तो थ्रॉटल्ड का मतलब होता है किसी को गला घोट के उसको मार देना. ठीक है, जार्ड मतलब भी होता है किसी को हर्ट करना, किसी को अटैक करना, डैमेज करना, सॉरी उसको नुकसान पहुंचाना. थ्रेटन का मतलब होता है किसी को धमकी देना. ठीक है, किसी को डराना, धमकाना. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ई यहाँ पे सही बैठेगा और हम लोग का पूरा पैसेज इस हिसाब से करेक्टली समझ पाए हम लोग. ठीक है, ऐसे ही कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ. फॉलो प्रैक्टिस मॉक फॉर मोर सच कंटेंट.